चलिए अगली खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले फिर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। रतलाम के जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम मोहन यादव ने सदस्यता दिलाई है और अलीराजपुर के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बोले भारत माता की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्यशैली से प्रभावित होकर के हमारा परिवार रोज बढ़ता जा रहा है। आज ये हमारे साथ रतलाम जिले के अध्यक्ष कैलाश पाटीदार जी आज उनके साथियों के साथ सम्मिलित हुए। इस अवसर पर पूर्व विधायक के पद पे लड़े हुए कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी वो भी मिले, हमारे अपने उज्जैन से कुंदन माली जी पूर्व पार्षद, उनकी पूरी टीम जयसिंहपुरा की, कैलाश माली जी सरपंच दाऊद केड़ी पूर्व, तो अपने नाम बोलूंगा तो थक जाऊंगा, इतने सारे मित्रों के साथ मिल रहा है। ये सब अपने आप में बताता है कि वर्तमान में मोदी जी के मामले में लेकर खास करके भारत की प्रगति को लेकर के कांग्रेस के लोगों ने विकास के रास्ते पे बढ़ने का मन बनाया। भाजपा के परिवार में मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि उनका मान सम्मान भी रखा जाएगा, उनके सुझावों पे काम भी करेगी और सरकार विकास के मामले में सबका विश्वास हासिल करने के साथ काम करेगी। रतलाम और उज्जैन में जो लोग कहेंगे वो सब हम करने को तैयार रहेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर वन मंत्री नागर सिंह जी यहाँ मेरे साथ मौजूद है, रतलाम जिले के अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जी मौजूद है, हमारे अपने सांसद के प्रत्याशी और सांसद अनिल फिरोजिया जी, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और उम्मीद करेंगे कि ये क्रम जारी रहेगा, लगातार हमारा परिवार बढ़ता रहेगा और विकास का क्रम चलता रहेगा।